हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड टेनियर नॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे भारत के जो चार प्रमुख शहर हैं वो तो सभी को मालूम है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास और बम्बई। यह हमारे यहाँ भारत के चार प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जिसे अभी इन सबके नामों में कुछ कुछ जो चेंजेस कर दिया गया है। जैसे कि पहले जो बम्बई का नाम था उसे बम्बई को मुंबई कर दिया गया है, और यह बम्बई को मुंबई इसलिए करा गया है क्योंकि बम्बई में मुंबा देवी नाम से बहुत प्रसिद्ध फेमस मंदिर है, इसीलिए उसे मुंबई के नाम से कर दिया गया है। और मद्रास को पहले मद्रास ही बोलते थे, अब उसको नया नाम चेन्नई कर दिया गया है क्योंकि वह तमिलनाडु में आता है, इसलिए वो चेन्नई नाम से कर दिया गया। बाकी जो कलकत्ता बोला जाता था, तो कलकत्ता बंगाल के अंदर जाता है, तो कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया है क्योंकि कोलकाता बंगाल में जैसा बंगाल की भाषा में बोला जाता है, इसलिए तो कलकत्ता हटा के कोलकाता कर दिया गया। बाकी जो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसे दिल्ली ही बोला जाता है। तो मैं यह बता रहा था कि भारत में आबादी वाले शहर जो हैं वह जैसे कि कलकत्ता की हम बात कोलकाता की बात करें, तो कोलकाता में आबादी अभी 2024 के अनुसार जो देखा जाए तो 15 मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर कोलकाता है। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुंबई की, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, तो वह 20 मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर बन चुका है 2024 में मुंबई। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला शहर 2024 की गणना के अनुसार 30 मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर दिल्ली। तो क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से हम बात करें तो दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि जो मुंबई है वह आर्थिक राजधानी है, उसे माया नगरी बोला जाता है, पर बिजनेस के हिसाब से मुंबई भी काफ़ी फैला हुआ है, पर जो क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से दिल्ली से बड़ा शहर कोई सा नहीं है, क्योंकि वह भारत की राजधानी भी है, तो स्वाभाविक है क्योंकि वो उसका बड़ा होना वो तो मतलब इसे, क्योंकि आप में जो भी काफ़ी अच्छे क्षेत्र हैं, जैसे जो नोएडा है, नोएडा में बड़ी बड़ी इमारतें बनी गई हैं, पूरे भारत में नाम चलता है, पूरे वर्ल्ड में नाम चलने लगा है नोएडा का, तो यह सब दिल्ली के आसपास फैले हुए हैं और सब दिल्ली के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसलिए दिल्ली सबसे आबादी वाला शहर बन चुका है।